Shahrukh Khan's Donkey has finally been released worldwide on Thursday, 21st December, and fans all over the world have started appreciating it. One of the first shows took place in New Zealand, and an audience member from the country has also shared his review on the X handle. Social media users praised Shahrukh Khan and Rajkumar Hirani for giving an outstanding patriotic film with Donkey. They also said that Vicky Kaushal will make you emotional with his performance. Donkey also stars Tapsee Pannu in the lead role. Let us see what views people have regarding SRK starrer Donkey. पहली बार SRK और तापसी पन्नू को ऐसे देखा स्क्रीन पर तो अच्छा लगा. इट्स अ फील गुड मूवी, वन टाइम वॉचर, बट अच्छा लगा देखकर. और मूवी की बात करें तो विक्की कौशल की कैरेक्टर कैसे लगे? हाँ, उनका बहुत छोटा एक स्पेशल अपीयरेंस है, बट हाँ इमोशनल हुए तो थोड़ा सा मिक्स इमोशन से, कॉमेडी भी थी और इमोशंस भी था. तो या तीन दोस्तों की, चार दोस्तों की एक दोस्ती दिखाई गई फॉरेन जाने की सपने से, कैसी लगी फिल्म आपको? अच्छी. मुझे फर्स्ट में मेरे को पूरी एंटायर मूवी अच्छी लगी. SRK का फर्स्ट कोलैबोरेशन था राजकुमार हिरानी के साथ, सो या अच्छा लगा. और ये क्योंकि इसमें अच्छे डायरेक्टर है, अच्छा एक्टर है. अच्छी है बॉन्डिंग, बहुत अच्छी है बॉन्डिंग. इसमें क्या कहानी बहुत अच्छी है, इसकी वजह से कोई फाइटिंग सीन नहीं है, इसमें वायलेंस नहीं है, इसके लिए अच्छी लगी. इमोशनल है स्टोरी. फर्स्ट पार्ट भी अच्छा है, सेकंड पार्ट भी अच्छा है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत इमोशनल रोलर कोस्टर राइड है. और इतनी अच्छी फिल्म, आज तक राजकुमार हिरानी की बेस्ट फिल्म है ये तो. अच्छी नहीं लगी. क्यों अच्छी नहीं लगी? बोरिंग है बहुत पिक्चर में, स्टोरी एक ही लेंथ पे चलती जाती है और मूवी ख़त्म हो जाती है. और मतलब लास्ट का 20 मिनट ऐसा लग रहा था कि कब ख़त्म होगी मूवी. शाहरुख खान एनी डे यार, ही इज़ द बेस्ट. मतलब उसने एक्टिंग तो अच्छी करा है यार. उन लोग की जोड़ी अच्छी नहीं लगी, तापसी और शाहरुख खान की. और विक्की कौशल का सीन अच्छा है, जो दो सीन दिया है उसने अच्छी, वो तो मतलब अच्छी एक्टिंग करता ही है. बहुत बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बच्चा है. और हम कहानी की बात करें तो कितनी एंजॉयफुल रही आपके लिए फिल्म? बहुत ज्यादा एंजॉय किया. इमोशंस थे सब कुछ, हंसी मजाक रोना प्यार सब कुछ था उसमें. एंड ये आप जल्दी से जाइए, घर वालों को लेकर आइए, क्योंकि ये सब घर वालों के साथ देखने वाली मूवी है. और शाहरुख की बात करें, शाहरुख एंड विक्की कौशल एंड तापसी पन्नू की केमिस्ट्री कैसी लगी आप सभी? परफेक्ट, सब सब सब. मैं वही बोल रही थी कि सब सारे कैरेक्टर्स की एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी. उनकी कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया, अमेजिंग, ऑसम, एपिक. शाहरुख की बात करें, शाहरुख खान, शाहरुख खान की भाई बात ही मैं क्या करूं, ही इज अ लेजेंड. कहानी की बात करें तो कहानी कितनी आपको हार्ट टचिंग? दिल छू गई कहानी. कुछ कहानी की डायलॉग बोलना चाहेंगे आप? जो देश के लिए जो शाहरुख खान साहब ने जो इंग्लैंड में बात की है, तो वो दिल छू ली. हम लोग को इतना प्राउड फील हो रहा है कि हम इंडियंस है. और तापसी पन्नू और विक्की कौशल की बात करें तो तापसी पन्नू का भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छा था तापसी पन्नू का. लेट्स सी हाउ मेनी स्टार्स द पब्लिक वांट्स टू गिव दिस फिल्म. 5 out of 5 मैन. थैंक यू. कितने स्टार देना चाहेंगे? 2.5 स्टार. थैंक यू. देना चाहेंगे आप? 5 out of 5, नो क्वेश्चन. ले तो ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे डंकी के रिलेटेड? कि प्लीज आओ देखो, फैमिली के साथ देखो, आप लोग को इतना अच्छा लगेगा ना, जो एक घर वाला फील आएगा वो है इस मूवी में. बात कर तो कितना स्टार देना चाहेंगे? 5. ऑडियंस को लिए क्या कुछ मैसेज है? ऑडियंस के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि सब लोग अपने फैमिलीज के साथ जाइए देखने के लिए. फिल्म बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हार्ट टचिंग है, मास्टरपीस यार. राजकुमार हिरानी इज अ गुड, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. इस साल की ब्लॉकबस्टर मूवी रहेगी? यस यस, 100% ब्लॉकबस्टर. बिल्कुल देगी टक्कर. एंड ऑफ कोर्स डंकी विल राइज आई. थैंक यू. थैंक यू. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द फिल्म? प्लीज टेल अस इन द कमेंट्स. Subscribe to our channel. Just click on the bell icon for all the latest updates.